हाँ जी, आपका नाम? देवेंद्र कश्यप। आप इस धरने में कब से बैठे हो और किस लिए बैठे हो? आज हमें 13 दिन लगातार धरना करते हो गए और कोई मांग नहीं है हमारी। पुरानी बहुत मांग चली आ रही है, हमारे लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है इस मांग के लिए, जो 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू होने के बाद ही हमारी जो अनुसूचित जातियों की सूची बनी थी उसमें हम अनुसूचित जाति में आते हैं। जैसे 53 नंबर पर मझवार की पर्यायवाची जाति केवट मल्ला है, 66 नंबर पर तुरहार की पर्यायवाची धीमर कहार कश्यप है, 63 नंबर पर शिल्पकार की पर्यायवाची जाति कुमार प्रजापति विश्वकर्मा बड़ी लोहार तेली नाई ये सब अनुसूचित जाति में आते हैं। लेकिन आज तक 70 साल के संविधान लागू होने के बाद भी संविधान में लिखी इनको सुविधा नहीं मिल रही, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इनको नहीं मिल रहा, तो उस अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को लेने के लिए ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार हमारा प्रमाण पत्र नहीं दे देती। क्योंकि हमारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी को 2017 और 2019 में पूरा वोट दिया और इसी वादे के तहत वोट दिया था। उन्होंने वादा किया था मोदी जी और योगी जी ने कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो आपका अनुसूचित जाति का जो मुद्दा है वो सोल्व कर दिया जाएगा और प्रमाण पत्र लागू करने का शासनादेश योगी जी द्वारा कर दिया भी जाता है। लेकिन कुछ गलत लोग जाकर कोर्ट में स्टे ले लेते हैं गलत तरीके से और योगी जी शासनादेश को वापस ले लेते हैं। बस हम यही मांग करते हैं सरकार से कि आज उत्तर प्रदेश में भी योगी जी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के वासी हैं और 25-30% हमारी आबादी है। अगर ये 25-30% आबादी आज वंचित है अपने अधिकारों से तो मोदी जी और योगी जी से मांग करते हैं कि हमारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जल्दी दिया जाए जिससे ये लोग भी विकास की मुख्य धारा में जुड़े। इसी मांग को लेकर हम बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे और ये सत्याग्रह आंदोलन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चलेगा और जब तक सरकार अगर ये हमारा आरक्षण नहीं देती, हमारा प्रमाण पत्र जारी नहीं करती तो 2012 में सत्याग्रह सरकार को गिराने का काम करेगा और सरकार जल्दी हमारा प्रमाण पत्र दे दे, नहीं तो हम और दूसरे कदम भी उठाएंगे। हम अभी आने वाले समय में जिन लोगों को हमने वोट देकर विधानसभा और लोकसभा भेजा था, जो प्रतिनिधि हमने चुनकर भारतीय जनता पार्टी से भेजे थे, उनके घर पर जाकर हम सत्याग्रह करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि हमारे प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल रहे, क्यों आप आवाज नहीं उठा रहे। अब अगला टारगेट विधायक और सांसद होंगे और उसके बाद भी नहीं होता तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और हम अपने बच्चों सहित, हम अपनी महिलाओं सहित, हम अपने बुजुर्गों सहित यहीं आ जाएंगे और जब तक दम नहीं तोड़ देंगे अपने आरक्षण के लिए तब तक बैठे रहेंगे। इसी मांग को लेकर हम आए हैं। हम अपने इस कश्यप समाज और धीवर कहार प्रजापति कुम्हार नाई धोबी तेली भर राजभर जितने भी है पाल गड़रिया धनगर जितने भी समाज है उनसे हम निवेदन करते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और आज हम लोगों को 13वां दिन है और 13 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और जितने अति पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा उनकी लड़ाई के लिए हम लोग बैठे हैं। समाज जोड़ के सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग आकर इस धरने को सफल बनाएं और सत्याग्रह आंदोलन को आकर हमारे लोगों का साथ बढ़ाएं और इसी के साथ हम सभी कश्यप समाज के लोगों से और वंचित समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि वाय और धरने को सफल बनाएं। धन्यवाद।